और दोस्त क्या हाल है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी पहेलियां लाया हूँ जिन्हें सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख और सारे रिडल सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो यार, और बेल आइकन जरूर दबाना। एक बार शिवम अपनी वाइफ और उसके लवर का अपनी कार में पीछा कर रहा होता है, पर धुंध में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता कि वो कौन सी कंपनी की कार में बैठे हुए हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल पर शिवम की वाइफ और उसका लवर तो आगे निकल जाते हैं, पर सिग्नल रेड होने के कारण शिवम निकल नहीं पाता। पर वो देख लेता है कि वो किस तरफ गए और थोड़ी देर बाद शिवम वहां पहुंच जाता है जहां वो दोनों लोग गए। उसे वहां हर घर के सामने कार दिखती है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो दोनों जने कहां हैं? दोस्त ध्यान से देखो, ये दूसरी और तीसरे नंबर वाली कार, ये यहाँ पर काफी देर से खड़ी है इसलिए इनके ऊपर पत्ते गिरे हुए हैं। लेकिन पहले नंबर वाली कार यहाँ पर अभी आई है इसलिए उस पर पत्ते ही नहीं गिरे हैं। तो क्या आपको अब आंसर मिला? आरती को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे तो सुनकर चंदन बहुत खुश होता है। वो आरती का पूरा ख्याल रखता है और उसे किसी चीज की कमी ही नहीं होता। एक सुबह आरती चंदन को उठाती है और बताती है कि उसे बच्चा होने वाला है और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। वो दोनों जने कार में हॉस्पिटल के लिए जल्दी से निकल जाते हैं, पर वहाँ ट्रैफिक जाम है। चंदन अपनी कार से बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि क्या किया जा सकता है। तो क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सी कार बैक करके रास्ता पूरा साफ हो जाएगा? अपना जवाब जल्दी से कमेंट करो। दोस्त क्या आपको पता चला इसका आंसर? इसका आंसर है कार नंबर 3। जी हाँ, अगर कार नंबर 3 को बैक करेंगे तो रास्ता अपने आप ही क्लियर हो जाएगा और बाकी गाड़ियां सीधा निकल जाएंगी। एक औरत ने अपने बच्चों के नाम रखे, सागर, रेखा, गायत्री, माला, पायल, धानी। अब मुझे बताओ कि वो अपनी अगली बेटी का क्या नाम रखे? निशा, आरती, विद्या या सुमन? तो दोस्त आपको क्या लगता है कि वो औरत अपनी बच्ची का क्या नाम रखेगी? अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस औरत ने अपने बच्चों का नाम सरगम में रखा है, जैसे सा से सागर, रे से रेखा, गा से गायत्री, तो ऐसे ही लास्ट में आएगा नी, तो वो औरत अपनी बेटी का नाम निशा रखेगी। राहुल सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जब उठाने उठ के कमरे में जाता है, जैसे ही वो कमरे में घुसता है देखता है कि उसकी बेटी की डेथ हो गई है। राहुल पुलिस को तुरंत कॉल करता है। पुलिस जल्दी से उनके घर पर पहुंचती है और घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करती है। राहुल बोलता है, मैं सुबह उठा और फिर जब बच्चों को जगाने के लिए उनके कमरे में गया तो देखा कि मेरी बेटी का किसी ने चाकू मारकर मर्डर कर दिया है। मम्मी बताती है कि जब राहुल के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं तो सबके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, और भाई बताता है कि वो अपने कमरे में सो रहा था और पापा की आवाज सुनकर उठ गया। तो दोस्त क्या इन सब के बयान सुनने के बाद आप बता सकते हो कि बच्ची का मर्डर किसने किया? अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मम्मी ने टेबल पर 3 प्लेट ही रखी है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ब्रेकफास्ट करने वाले सिर्फ 3 लोग होने वाले हैं।
बताओ ऐसा क्या है जो मार्च और अप्रैल के बीच में तो आता है पर ना तो इन महीनों की शुरुआत में आता है और ना ही अंत में। तो बताओ ये क्या है? दोस्त इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, आर, क्योंकि आर ही तो है जो अप्रैल और मार्च के बीच में आता है। तो दोस्त कैसे लगे आपको रिडल? अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।